गुड आफ्टरनून बच्चों, आज हम क्लास सिक्स के लिए आपका एक लेसन वर्क एक्सपीरियंस में लाए हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की दूसरी एक थ्योरी एक्टिविटी है और ये CBSE द्वारा जो प्रिस्क्राइब सिलेबस है उसके इलेक्टिव में जो हमारा केंद्रीय विद्यालय संगठन ऑप्ट कर रखा है उस पोर्शन का ये सेकेंड एक्टिविटी है। तो इसमें हम लोग आज जानेंगे कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। तो बच्चों, इस टॉपिक को करने के बाद आप जो है प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में थोड़ा बहुत जान सकते हैं, जान जाएंगे। कंडक्टर एंड इंसुलेटर जो है इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट के साथ कैसे रिएक्ट करता है उसके बारे में जानेंगे और किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल को और इंसुलेटिंग मटेरियल को कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और बेसिक जो हमारा कंडक्टर इंसुलेटर तो है ही है, वो हमको पढ़ना ही है इसमें। तो इसमें एज यूजुअल जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक मैं आपको माइंड जोग एक्टिविटी का दिखाता हूँ। इसमें हम लोग आज एक वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में पहले आप इसको देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। सेफ्टी इज इम्पोर्टेंट, मेक श्योर यू फॉलो द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर कीपिंग योरसेल्फ एंड योर फैमिली सेफ। यूज सेफ्टी कवरिंग्स ऑन आउटलेट्स एंड कीप एक्सटेंशन कॉर्ड्स अवे फ्रॉम पेट्स एंड स्मॉल चिल्ड्रन। ऑल आउटलेट्स एंड स्विचेस शुड हैव फेस प्लेट्स। एक्सपोज्ड वायरिंग इज अ शॉक हैजर्ड। Signs of faulty switches and outlets include sparking or feeling warm to the touch. Both of these conditions may indicate an unsafe wiring connection, and it should be checked by an electrician. Check all electric cords for visible damage and make sure cords are out of traffic areas. Check that extension cords are correctly rated for the amount of electricity needed. Never overload a cord with more than it can handle. To avoid excessive wear, ensure that cords don't run under rugs or furniture. Damaged cords can be dangerous. Never insert any metal objects into an appliance. Keep all cords away from hot surfaces like toasters, range tops, and ovens. Cords can be damaged by excessive heat. Never leave electric heaters and hot plates unattended when in use. Don't touch electrical devices when they are wet, while standing on wet surfaces, or where your body can create a path to ground. Check that all appliances are located away from the sink and bath. Electric equipment can injure you if it comes in contact with water. In kitchens, bathrooms, and near swimming pools, ask your electrician to replace the standard outlets with ground fault circuit interrupters or GFCIs. These provide shock protection by quickly cutting off the circuit and preventing injury. Remember, safety is for everyone. You can share safety tips with your family, friends, and neighbors. तो बच्चों, आपने एक ये वीडियो देखा, इसमें कुछ सेफ्टी के बारे में बता रहा था। आप घर में जो अपने नॉर्मल प्रैक्टिस करते हैं उसमें कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स लिए जाते हैं। इसमें देखा आपने कि वायर्स अगर डैमेज है तो उसको नहीं यूज़ करना है। आपके अगर हाथ गीले हैं, किचन में काम करते हैं, हाथ गीले होते हैं, बाथरूम में काम कर रहे हैं तो हाथ गीले हैं, तो उस समय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को नहीं छूना है। किसी मेटल चीज से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को नहीं खोलना है जो पूरी तरीके से कंडक्टिव हो। देखिए बच्चों, हमारा जो टॉपिक है इंसुलेटर और कंडक्टर, इसमें आपने देखा होगा कि वायर अगर डैमेज है तो उसको नहीं यूज़ करना है, नया कॉर्ड चेंज करना है। तो वायर जो अगर आप देखें तो वायर बेसिकली कंडक्टर है और उसके ऊपर जो डैमेज होने का मतलब जो उसका प्लास्टिक का ऊपर का जो कोटिंग है जिसको हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल का बना होता है, वो पोर्शन अगर हमारा डैमेज है तो उसे नहीं यूज़ करना है। तो आप देखें कि इसमें इंसुलेटिंग और कंडक्टिंग दोनों मटेरियल आपको इस वीडियो में दिखे, अगर आपने ध्यान से देखा होगा। एक जगह देखा है उसने वायर को एक कारपेट से या फुट रेस्ट से ढक दिया था, कपड़े का होता है वो, तो इससे ये पता चलता है कपड़ा जो हमारा एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। तो इस तरह से ये जो वीडियो हमारा था मेनली हमको एक अवेयरनेस वीडियो है जिससे आपका इस लेसन में इंटरेस्ट क्रिएट होगा। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं इसमें कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। तो एन कंडक्टर, इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज अ ऑब्जेक्ट और टाइप ऑफ मटेरियल दैट अलाउ टू फ्लो चार्ज इन वन और मोर डायरेक्शन। मटेरियल मेड ऑफ अ मेटल आर कॉमन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स।
सिंपली बताया है इसमें कि कंडक्टर वो है जो को वो मटेरियल है, वो वस्तु है जो करंट फ्लो के चार्ज को, फ्लो चार्ज मीन्स करंट का चार्ज, फ्लो ऑफ करंट इन द मूव इन वन और मोर डायरेक्शन। अगर कंडक्टर में मतलब कोई भी मटेरियल अगर वो फ्लो को अलाउ करता है फ्लो करने के लिए, दैट इज़ द कंडक्टर। और ये मेटल का होता है या जो भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं वो सारे मेटल के ही होते हैं। इसकी प्रॉपर्टी अभी हम लोग देखेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा क्लियर होगा। और इसके बाद में एक इंसुलेटर की डेफिनेशन भी देखते हैं। एन इंसुलेटर इज़ अ मटेरियल हुज इंटरनल एंड हु इंटरनल इलेक्ट्रिक चार्ज डू नॉट फ्लो फ्रीली। इंसुलेटर्स आर यूज इन अ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सपोर्ट एंड सेपरेट। इसमें क्या रहा है कि वो मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो नहीं होने देते, दैट इज़ द इंसुलेटिंग मटेरियल। तो और फ्रीली फ्लो नहीं होने देते, फ्रीली फ्लो नहीं होने का मतलब यह कि वो पूरी तरीके से करंट फ्लो को सपोर्ट नहीं करता है। उसके बाद में देखेंगे इंसुलेटेड आर द इलेक्ट्रिक, सारे जो ये भी मटेरियल्स हैं वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में यूज़ होते हैं। देखा भी आपने कॉर्ड के रूप में इंसुलेटर में यूज़ होता है, जो हमारी बड़ी बड़ी जो लाइनें होती हैं आपने देखा होगा आपके शहर में या आपके शहर से बाहर में, जो बड़े बड़े पोल्स के थ्रू जो लाइन दूर तक ले जाई जाती है, तो उसमें जो वायर होता है वायर को पोल से कनेक्ट करके जोड़ के रखने के लिए इंसुलेटिंग मटेरियल का यूज़ किया जाता है। क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे ऐसा तो हमारे पोल्स भी मेटल के होते हैं, उसमें भी करंट फ्लो कर सकती है। इस प्रकार इसका हमारी लाइफ में हर जगह ये यूज़ है। अब आते हैं आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर विदाउट अलाउंग करंट थ्रो देम स्लैब एज अ इंसुलेटिंग मटेरियल यूज इन अ बल्ब टू रैप इलेक्ट्रिकल केबल और द इक्विपमेंट इज कॉल्ड इंसुलेशन। बताया है इसमें कि जो ऐसे मटेरियल हैं वो बड़े बड़े जो इलेक्ट्रिकल केबल्स होते हैं उनको इंसुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, या कोई इक्विपमेंट है बना हुआ आपका अप्लायंसेस है तो उसके सारे सर्किट पार्ट को अंदर करके ऊपर से उसकी बॉडी को प्लास्टिक का बनाया जाता है, जो हमारा एक इंसुलेटिंग मटेरियल का काम करता है, जो इसको इंसुलेट करता है। इसके बाद में हम लोग आज देखेंगे, मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बताने की कोशिश करूँगा कि इस इंसुलेटिंग मटेरियल में क्या मैकेनिज्म है, क्या लॉजिक है इसके पीछे। वैसे ये तो सिलेबस में आपके थोड़ा सा बाहर की चीज़ है, लेकिन मैं इसको इजी वे में समझाने की कोशिश करूँ कि बच्चों ये सही यही है। इसमें आप देखेंगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के थ्रू मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आप साइंस में पढ़ेंगे और वैसे सेवन्थ क्लास में भी इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करना है आपको। तो किसी भी मटेरियल का, किसी भी मेटल, किसी भी एलिमेंट का एक अपना खुद का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। बच्चों ये जो स्ट्रक्चर है वो बोहर के एटॉमिक मॉडल पे बेस्ड है। इसमें बस आप इतना समझ सकते हैं कि जो हमारा प्लैनेट्स होता है, प्लैनेट में बीच में सन होता है और उसके चारों तरफ सारे जो सैटेलाइट्स होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं। अर्थ है, मार्स है, इस तरह से जुपिटर है, तो अपने अपने सेल में वो मूव करते हैं। ठीक इसी तरह से हमारा ये स्ट्रक्चर है। इसमें बीच में न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन होंगे, और इसके चारों तरफ जो सेल्स दिख रहे हैं आपको गोल गोल से, ये हमारे इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। इनका डिस्ट्रीब्यूशन, इनके मतलब जो भी एटम में जितना भी इलेक्ट्रॉन्स होगा उसके ही आधार पर डिवाइडेड होता है, वो नियम से डिवाइडेड होता है। वो रूल आप अगली क्लास में पढ़ेंगे, फिलहाल बेसिक आइडिया में देना चाह रहा। इसमें देखिए बाहर की जो एक लाइन है वो हल्के से ग्रीन कलर की है, ब्लू कलर की है, मतलब बाकी लाइनों से अलग है वो। तो बच्चों ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है कंडक्शन सेल को। ये इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ये माना जाता है कि अगर हमारा उसके ठीक पहले वाला जो वैलेंस सेल है, उसके ठीक पहले वाला सेल वैलेंस सेल होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
वो अगर कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, कंप्लीटली फिल्ड का मतलब कि उस सेल में जितने भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं बाय रूल, बाय जो हमारा एक केमिस्ट्री में एक जो इसका लिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो रूल बनाया गया है, उस रूल में जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर उतने ही हैं उसमें, तो उसका फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में नहीं जाएगा। और अगर उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उससे कम है या ज़्यादा है, तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होता है वो अगले सेल में मूव कर सकता है, क्योंकि वो उस सेल के लिए एक्स्ट्रा है या उस सेल का कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। भाई उस सेल में जितने हैं उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता है, तो उससे कम ही होगा, लेकिन वो अगर ज़्यादा कम है तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, और अगर एक दो कम है तो वो फिर ऐसा इंटरेस्ट नहीं लेगा, वो किसी और से इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, किसी इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर आपके पास में कोई भी चीज़ है, आपको मान लीजिए किसी चीज़ को परचेज़ करने के लिए 100 रुपये की ज़रूरत है और आपके पास में 105 रुपये है, तो आप अगर कोई आपसे 5 रुपये मांगेगा तो आप उसको दे सकते हो, क्योंकि आपकी ज़रूरत 100 रुपये की। लेकिन अगर आपके पास में 95 रुपीज़ है तो आप 5 रुपये कहीं से लेने की कोशिश करोगे, तो ऐसे केस में वो किसी दूसरे एटम से वो चीज़ें लेने की कोशिश करता है। तो वहाँ पर ये से इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इसके इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में नहीं जाते हैं, बल्कि वो जिससे वो 5 लेगा वो वैलेंस सेल में या कंडक्शन सेल में मूव करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है कि हमारा जो जो किसी भी मटेरियल के लिए जो सेल डिवाइडेड है, तो जो आउटर मोस्ट सेल होगा दैट इज़ द कंडक्शन सेल, ये इमेजिनेशन सेल है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स इसकी अपने इस एटम को छोड़ के वहाँ पर जंप कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, वही हमारे कंडक्शन या कहीं कंडक्टर के इलेक्ट्रिसिटी फ्लो में हेल्पफुल होते हैं, वही हेल्प कराते हैं, और वही इसका पूरा उसका कारण यही होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराते हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको इतना चीज़ समझ में आया होगा, और अभी इसके बाद में हम लोग अब इस थ्योरी से कंडक्टर और इंसुलेटर को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो ये हम लोग अब पार्ट 2 में देखेंगे, ये हमारा वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है। ओके, थैंक यू।